भारत जी जैसे अयोध्या मा घुसे तो भैया मालूम पड़ेगा कि काहे बद के मालूम अयोध्या मा जानत हो जो रंग था वो रंग सब धुमिला हो चुका है। काहे बद के क्योंकि अयोध्या के ऊपर 100 करोड़ गैयन का पाप लग गया है। ध्यान सुन लेना, अयोध्या के ऊपर 100 करोड़ गैयन का पाप लगा है और जंगल के जंगल में 100 करोड़ पुण्य उदय हो चुके हैं, इसलिए जंगल की शोभा बढ़ चुकी है। जो शोभा थी अयोध्या में वह शोभा जा चुकी है जंगल में। ध्यान सुन लेना, हमारी आपकी जब लड़की बिटिया में शादी होते है तो जैले बिटिया विदा नहीं हो जाती तले गाम गमकौवा होत, तैले काम गमगमौवा सैल्यात। और जहाँ बिटिया विदा हो गई तो घंटा खा तो देखे हुए कुतवा भगौना चाटत खाली, बूढ़ा के रे मुँह पर माछी बैठी हैं और बूढ़ा माछी नहीं हकती, बैठी बूढ़ा घंटा खंड पलकों तक नहीं मरती। तब उनका कहा बिटिया के रे गम नहीं है, बिटिया के गम हो तो बिहाव ही ना करती हूँ, बिटिया के गम नहीं चिंता तो इस चीज के रहे, घर में जान ले आग चटानी डकैती पर गए है। और का जब वैसी विदई होते रहे तो वैसी बरतिया लगाए डाला, यूह लाद यूह लाद यूह लाद, बरतिया का कसर राखे नहीं बहुत हो मुट्टा बरतिया हो टेंट के भगवना तक लाद लेगे वो जाने दहेज मिला है। तब बहुत टेंट वाले कहा लागे माँ एटर्स का एटर्स लिखो, नहीं हुरमुट्टा बरतिया भैया महंगवा के मन है ना, ये सब लादन नहीं है गलत बतावा। तो दिक्कत तो इस चीज के रहे भैया। भरत जी जब अयोध्या में घुसे तो भरत जी ने क्या देखा कि अयोध्या में 100, हम नहीं कहते तुलसी बाबा मानस के अंदर वर्णन किया है, बड़ भागी बन अवधय भागी, बड़ भागी बन अवध अभागी, बन भागी यानी क्या है जंगल। तो चौपाई लिखी है बड़भागी बन, बड़भागी कौन बन, बन माने जंगल, बड़भागी बन अवध अभागी। काहे अवध कहे जो रघुवंश तिलक दियो त्यागी। आओ तुलसी बाबा ने लिखा बड़भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक दियो त्यागी उस चीज का अभागा होता है। जैसे आए कोई काम काज हो जाते हुए और पता लागू तिर सब फूल बिखेरे पर मार हो गए तो जान ले वो हवन कर भागे तो फूट गा। इसलिए मैं आपको क्या बता रहा था, तो आज बड़े सौभाग्य की बात, भरत जी जैसे देखा अयोध्या में इतना बड़ा पाप लग गया, भरत जी भागते भागते कहाँ गए, अपनी मैया कैकेयी के पास। मैया कैकेयी के पास गए और माता कैकेयी से पूछा माँ पिताजी कहाँ ए भैया कहाँ गए। कैकेयी बोली भैया तुम्हारे भैया चले गए वन और उनको भेजा है हमने। राम जी बोले क्यों, ओ भरत जी बोले क्यों मैया। अरे भरत राम राजा बनने जा रहे थे, मैंने सोचा अगर राम राजा बन जाएंगे तो मेरा भैया भरत उनके चरणों का दास बन जाएगा। भरत जी बोले मैया यह बात तुमने एक इतना बड़ा पाप उठा दिया, अरे हम तो सेवक चरणों के दास हैं कब से जब हमारा जन्म हुआ था। भरत जी जन्म से ही भगवान के चरणों के सेवक हैं, ध्यान सुन लेना। और हनुमान जी सेवक बने कब, जब सब का हम निपुण होंगे तब। हनुमान जी से भरत ज्यादा भक्त हैं भैया। तो भरत जी बोले मैया तुम कहती हो मैं चरणों का दास हो जाता, मैं तो चरणों जो आनंद दास में है वो आनंद मालिक को नहीं मिलता है। भैया बन को चले गए, हाँ पिताजी कहाँ है उनसे मैं पूछूं, आखिर उनको बन को तुमने भेज क्यों दिया। उस समय कैकेयी बोली सुनो भरत जब तुम्हारे पिता चले ओ भैया चले गए
जंगल को, तो उनके वियोग में तुम्हारे पिता इतनी बड़ी टेंशन उठा लिया, इतनी बड़ी दिक्कत उठा लिया कि वो तो स्वर्ग चले गए, वो यहाँ रह नहीं गए। अच्छा, बस भरत के आग लग गई, भरत के आग लग गई और क्रोध में आकर के भरत बोल पड़े, ए माँ, तुम कहती हो कि तुम्हारे भैया इतना बड़ा तुमने उपद्रव उठा दिया, साथ में मैया सीता भी चली गई, भैया लक्ष्मण भी चले गए। उस समय भरत जी जो अपनी माँ से कहा है ये बात समझ लें, भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, ये भरत और राम का जब चरित्र हम आप लोग पढ़ें तब मालूम होगा कि भाई भाई का आदर क्या होता है। आज के समाज में भैया, आज के समाज में ना भाई भाई को चाहता है, ना चचा भतीज को यहाँ चाहता है, ना देवरानी जेठानी को चाहती हैं, ना नंद भौजाई को चाहती हैं, हैं? आपस में सब लोग खाए जा रहे हैं, हुँ? और जबकि अगर जिसके घर में ये प्रेम नहीं है, हैं? तो वो घर कैसे संपन्न रहेगा। मेरे बंधु, दुनिया से प्रेम करते हो परम पिता से प्यार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, नीति नीति प्रेम व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो कोई सुखी परिवार नहीं। तो आज भरत जी जो अपनी माँ से कहा, इस बात पर देखिए कितना बड़ा गर्व की बात है। भरत जी बोल पड़े, माँ एक बात सुन लो, आज से तुम हमारी माँ नहीं हो, आज से तुम हमारी माँ नहीं हो, क्योंकि तुम दूध में जैसे दूध को पड़े फटकरी फाड़ देती है और दूध को जमाने में सक्षम खटाई होती है, वो काम तुमने किया। हमारी अयोध्या में अच्छा अच्छा व्यवहार, दूध जैसा भाई बंधु का प्रेम था और उसमें तुमने आज कपट खटाई डाल करके अच्छे दूध को फाड़ करके भागों में बांट दिए हो। जाओ माँ, मेरा परिवार कैसा था, हंस वंश दशरथ सुमन, ध्यान सुनना, हंस वंश दशरथ सुवन, राम लखन दुई भाई, जननी से जननी भयो, विधि सन कछु न बसाए। मेरा परिवार एकदम हंस के समान था, हंस नहीं देखो, चिड़िया तमामो देखो, लेकिन हंस जैसा पक्षी आज तक कहूं पर साफ नहीं मिलेगा। दूध और पानी को एक में गबड़ दिया जाए, अब कोई कह रहे बप्पक दम हो चाल दे, हैं? दूध और पानी को चालना बड़ा कठिन है, दुईमा क्या रे एक जब ना रह जाए तब है ना अलग होई, क्योंकि दूध और पानी जैसी दोस्ती थी भरत और राम जी में, भरत और राम जी में दूध और पानी की जैसी दोस्ती थी भैया। दूध पानी दोस्ती कैसे किया था मालूम, एक बार दूध जा रहा था, पानी बेचारा भरा, तो दूध ने पानी से कहा, भैया हमार तो कीमत है 60 रुपया लीटर, और रक्षाबंधन वाले दिन तो हो जाते हैं 100 मा, रक्षाबंधन वाले दिन 100 नहीं मिला ढूंढे। दूध बोला भाई, पानी बोला कहा करी यार भैया, हम का हमसे कोई व्यवहार ही नहीं करते, जो आदमी व्यवहारिक होते वही की लिंक लंबी होती। एक बात और बताई, रिश्तेदार सबके चारे होते, चाहे जितना बड़ा नेता आदमी हो और चाहे जितना बड़ा पर्सनल आदमी होए, चाहे जितना बड़ा आदमी ऑफिशियल होए, रिश्तेदार सबके चारे होते, चाहे गिन लो, दीदी जहाँ दीदी तहाँ जीजा, दीदी खत्म जीजो खत्म, गलत बताएं, जहाँ फूफू तहाँ फूफा, फूफू नहीं तो फूफो नहीं, गलत बताएं,
और एक ससुरार, तीन और चौथे ननिहार हैं। पोढ़ी तो चारे रिश्तेदारी हैं, और ये कोई कोई आदमी अगर न्योता दे दे तो चार बीघा खा तुम गाड़ी नहीं ठाड़ी हो पी हैं। तो यू कहाँ है, रिश्तेदार चारे रहे लेकिन उसकी जो व्यवहारिक लिंक है वो उसकी लिंक और उसका व्यवहार बड़ा है। बस व्यवहार से ने भैया रिश्तेदारी फेल हो गए, गलत बतावा। तो इस सिस्टम है भैया, तो मैं आपको तू तो दूध पानी बोला भैया, आपने संगत किया है तो तुम्हारी कीमत है 60 रुपया लीटर, और हमका कोई अपने ओबन है कि न कोई व्यवहार की न, और हम सबका मानते हैं लेकिन हमका जौन आदमी देखो, जौन आदमी देखो नावत है कब अपने ऊपर, अपने ऊपर नावत है कब, जब मैल छोड़ा के फिट कर ली न तब कि ना देव तो मैल बहा ले जाई, ऐसे कोई नहीं नावत है। और हमका आदमी खाना जब खाए बैठते है तो यू को व्यवहार थोड़े है, ऐसे हम धरे हैं कोई नहीं छुआया। आदमी पानी लपक हमका उठावत है जब जब उसके नट्टी में यहाँ खाना रूंध जाती है, ध्यान दे हो कब नहीं दे, नहीं ध्यान दे हो है, कहो ध्यान नहीं दे हो, ध्यान दे लो बात समझ लो। पानी बोला भैया हमका लोग उठा लपक लपद पी है जब है, जब नट्टी खाना रूंधेगा तब है, तो हमारे संग यह व्यवहार आदमी करते, और हम सबके संग अच्छा ही करते हो तबहू तबहू हम नेकी करे तबहू बहुत जने कहाँ करे हैं। हमका पानी हम अकेले बेचारे चढ़ा देते हैं कहाँ त्याज का गरमाए का पियब, तबहू उबाल देते हैं और तनु रहा खुहा तनिक धुक धुकी रहबो करे खाल साल शुद्ध के, तो वह हम हल्का नमक डाल दें कहें यहाँ सुधर जाए, इनमें बैक्टेरिया खत्म हो जाए। तो हमसे कोई नेकी हमरे संग करते ही नहीं, हमका सब उकियाले बलाग हैं। तो दूध बोला के भैया अगर तुमका हम व्यवहार बना ली तो पानी ने कहा दोस्त फिर एक बात सुन लो, अगर तुम हमका दोस्ती अपन जैस कीमत हमका दे दो तो हम वादा आता जरूर करते हैं कि जैले हमार जू रही तैले तुम्हारे माँच नहीं आवे दिया, तैले तुम्हार हम बिगड़े कुछ नहीं दिया, लेकिन अपन कीमत दे दो। दूध ने तुरंत अपनी कीमत दे दिया, जब दूध ने अपनी कीमत दे दिया पानी को वो अपने में गबड़ लिया, जब पानी को अपने में गबड़ लिया तो भैया दूध के जौन कीमत रहा 60 रुपया लीटर, वो है पानी की कीमत हो गए, अब कोई मैलू नहीं दो भैया। पानी बोला भैया तुम तो यार बड़े योग्य हो, खाली तुम्हारे भलमा बैठ गए तो मजा आएगा, वो हमारी 60 रुपये में कीमत हो गए। लेकिन भैया जब दूध बिकने गया तो पानी तो बड़ा खुश होगा 60 रुपया कीमत हमारी हो गए, लेकिन वो जो खरीदी से रहा है, जो खरीदी से रहा है कहाँ कहते हैं दुकानदार, जो खरीदी से रहा है भैया वो कहा कि हलवाई हलवाई भैया कहा कि तात तात खा ले आगे बढ़े, और ऊपर कहा कि कहाँ लागे रोज तुम्हारा दूध गाढ़ रहा है आज दूध तुम्हारा पातर है, इका तारब चढ़ा दीस भैया नाप कहीं हाँ, और जब चढ़ा दीस तो बढ़िया दूध बीच में यहाँ मजा काट रहा, पानी लाग धीरे धीरे फुर 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 जले, तो जब पानी जले लाग तो दूध बोला भैया कहाँ बात तुमरे दर्द होत का, तो पानी बोला भैया दर्द होते हैं जब फसगे न है तो का होई जाए कहाँ, वो जाए अगर भगबो करे तो लेहे क्यों चा ठाड़ है मारे भाई हल हलाए दी है ममका, तो अब जाए कहाँ। तो दूध से पानी बोला चिंता ना करो दोस्त, तुम्हारे पर आँच है जब जब हमारा काम खत्म हो जाए, तो जैले पानी समाप्त नहीं हो जात तैले दूध पर कोई असर नहीं आवत, और जब पानी जरे लाग जब दूध पर नंबर आवा तब दूध चिल्लाए लाग भैया कहाँ गए हो हमारो नंबर आएगा, तो पानी बोला भैया हमार छुट्टी हो गए अब तुम जानो तुम्हार जाने काम, जब हम रहे नहीं गए हो तो काहे दोस्ती काहे, चाहे 10 लाख रुपया कर्जा चाहते हो आज जब सरकार हम लागू है आज जो सरकार भी ये लागू करती है, चाहे 50 लाख रुपया कर्जा हो तुम्हार और आदमी के यहाँ अगर कुछ हो गवा तो भैया कर्जा किसे ले लो बताओ, तो कर्जा माफ है कि नहीं माफ है, हैं तब भाई सरकार कर्जा माफ। तो दूध जब पानी जल गया तब दूध बैठा कर रही हम रुआवे तब रुआवे, और दूध पानी को इतना माना और फिर रोया तब वह नाव परिगवा खोया, वह नाव परिगा खोया, खोया किसने अपने पानी जैसे दोस्त को खो दिया है, तब हन खोवा बैठ रोया नाव परिगवा
खोया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ए भरत बोले माँ हंस वंश के समान, हंस के समान मेरा वंश था, लेकिन तुमने उसमें फटकरी डाल करके मेरे वंश को टुकड़ों में बांट दियो माँ। और भरत जी यहां बात कहा है, कौन गाली भी दिया है, भरत जी ने अपनी माता कैकेयी को गाली दिया है, हम तुम गाली और हिसाबत दी थी, लेकिन भरत जी बहुत योग्य रहे तो वही गाली का कोनो उल्टा से थोड़े दिन। आप पढ़ा लिखा आदमी हो भैया, बहुत बड़ा आदमी पैसा वाला हो, बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति हो, वही के सामने खाली तुम अत्ता कहो पागल कहीं का, मूर्ख कहीं का, बेकूफ नालायक, अत्ता कह दो जान लो भैया बहुत बड़ी बात आए हो हैं। बातदार आदमी से ने कह दो भाग निकल यहां से, तो खाली समाज से ने उसका पकड़ के भगा दो तो जान लो भैया इससे ज्यादा मारे ज्यादा कम ज्यादा होएगा वह। हमने कह महाभारत में लिखा है तो बड़े मतलब की बात। उस समय भरत ने अपनी माँ को उल्टा सीध कहा कि जाओ यहाँ तक नहीं, कैकेयी तक नहीं कहा, कैकेयी के रही अम्मा तक गाली दिया भरत ने। हंस वंश दशरथ सुमन राम लखन दुई भाई, जननी ते जननी भयो विधिसन कछु न बसाय। भरत बोले तुम तो फिर ठीक हो और नानी फिर ठीक है, हैं? नानी तक गरिया दिया भरत ने अपनी जहां रहा कि नाना या नानी हटकी ना तो नाना बच गए रहे, अब उनकी बिटिया तुम आए हो तो तुम हटके हो तो बापा गए मरे। लेकिन भरत बोले जा मां, हम सारी जिंदगी सारी जीवन बताओ यह कोई बात है। भरत बोल पड़े जाओ मां, हम सारी जिंदगी प्रण प्रतिज्ञा करते हैं कि हम तुमका अम्मा ही नहीं कहा, अम्मा ही नहीं कहा। तो कैकेयी जब जाने की भरत इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर दिया तो कैकेयी बोली जाओ भरत, अगर तुम कहते हो कि हम तुमका जिंदगी भर अम्मा ही नहीं कहाब तो जाओ भरत, जैले तुम हमका अम्मा ना कही हो तैले हम नहाब नहीं। कैकेयी ने कहा कि जैले तुम हमका अम्मा ना कही हो तैले हम नहाब नहीं, साड़ी बदलब नहीं, यू आए हमारा वादा। कबो कबो लड़का मम्मी और लड़का और महतारी में लड़ाई हो लागत तो अम्मा गुस्से हैं, कहे तु हमका अम्मा ना कहे, तो लड़का उन्हों गुस्से में कहे तु का अम्मा नहीं कह, कहीं तो करिया करते ना कहे, कहीं तुम जाची परी तुका अम्मा नहीं कहा। लड़ाई हो नहीं जाते आपस में, यहाँ गुस्सा में जनता आदमी का कह दे तो वही कहे तु का अम्मा नहीं कहा, कहीं तु अम्मा तु ना कहे तो कसम है, कहीं तोरे कसम है, कहीं तोरी कसम है, मार ला दही ले दही हो लागत है ना। तो अब लेकिन एक बात है, लड़का गुस्सा आ जाए तो कहो दो दिन अम्मा ना ही कहे, लेकिन अम्मा के रे दिल में ममता होती, माँ शब्द ममता होती, माँ शब्द में ममता होती, तो अब लड़का गुस्सा आएगा तो कहो दो दिन अम्मा ना कहे, लेकिन मम्मी अगर गुस्सा आ गई तो जैले तुम अम्मा नहीं कहो तैले नहाई है ना नखई है, वह तिल ब्यार ब्यार घोर है, वह जहाँ बैठ हुई हो खा लियो, वह तना खा लियो, जय दिन हन तैले खा लियो, ये ले खा ले का टर जाए तिर कहा यार कोई बहुत पीछे पड़ी है हैं, कहा टर जाए तिर कहा टर तो जाबे करी हो, टर तो जाबे करी हो, तब परे परे खटिया पर पिल्ली पिल्ली करते रहो तब टरीगे हो थे हम हैं, यू जाने थे तो वह लगा रहे तुम कहा हम निपटाए दिए हो थे, यू दिन कहा है आवते हैं जौन दिन लाए हो यू का दिन आवे पावत, तब तो तुमका लेके हम छरासी तक भाग गए रहन, एकदम मरीगा खटिया पर से गिर गए रहो तो मरप्पा तक गए रहन गोड़ बैठुआ हुए कल्लो भगत खुआ नहीं यू दिन आवत है छठे वाले दिन, वह दिन निपट जाती हूँ। लेकिन ए मैया को प्रेम है कि जब तक लड़का ना कही तब तक माँ, जब तक ना कही तब तक माँ के अलमा दिल में धीर ना बदल। भरत बोले जाओ माँ, हम तुमका माँ ना कहा, कही कही बोले जाओ भरत हम नहा बना, या कठिन प्रतिज्ञा हो गए भैया ध्यान सुन लेना। तो भरत जी अपनी नानी को उल्टा सीधा क्यों कहा भैया, ये बात समझे परी, नानी को भरत जी ने उल्टा सीधा क्यों कहा, जननी से जननी भयो विधिसन कछु न बचाए, आप दो शब्द में समझ लो, एक बार की बात, यह बात भरत जी कहीं न कहे, हंस जैसा चिड़िया ना मिली,
दुनिया में किसी को दूध पानी को एकदम नहीं जो औकात नहीं अलग कह दे, लेकिन हंस या चिड़िया ऐसे होते हैं भैया जो दूध पानी गबड़ धर दो। हंस में वह क्षमता है आज भी कि दूध दूध पी लिया है, पानी पानी धारा रही। इन लोगों ने कुछ किया जरूर है भैया ने, लिखा का है वह हंस में सफाई है भैया, दूध पी लिया है पानी तुम्हारा रख रही वह इतना अतनी दम। तो भरत ने अपनी नानी को ये सब कैसे कह दिया, एक बार की बात समझ लो। रामचरितमानस में 4608 चौपाइयां हैं, उनमें 18 चौपाई ऐसे हैं जिनमें एक बार लिखा है, जिनमें एक बार का शब्द तुलसी बाबा ने 18 बार प्रयोग किया है।